छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक महिला की शिकायत पूरे छत्तीसगढ़ में चर्चा का मुद्दा बनी हुई है। ये तो गनीमत थी कि वक्त से महिला मौकाए वारदात पर पहुंच गई, वरना इस मर्डर को शायद पुलिस भी नहीं बचा सकती। दरअसल पूरा मामला बिलासपुर के सिलधा गांव का है, जहां रहने वाली जानकी बाई बिंजवार देसी मुर्गा पालन करती है। उसके घर में मुर्गे ही मुर्गे हैं जो इधर उधर घूमते रहते हैं, और वो उन्हें ही अपने परिवार का सदस्य मानती है। लेकिन इन सदस्यों पर कोई बुरी नजर डाले ये जानकी बाई को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। लेकिन जानकी बाई का पड़ोसी ठीक वैसा ही करता है और उसके एक मुर्गे को चोरी कर घायल कर देता है। हालांकि ये पहली बार नहीं था, इससे पहले भी एक बार पड़ोसी ने एक ऐसी गुस्ताखी की थी, लेकिन इस बार जानकी बाई उसे सबक सिखाने का अनोखा तरीका आजमाती है और पड़ोसी की शिकायत लेकर पति के साथ थाने पहुंच जाती है। थाने जाकर महिला ने आरोप लगाते हुए कहा कि पड़ोसी बुगल और दुर्गा ने मिलकर मुर्गे को पकड़ लिया और उसे मार कर ले जाने की तैयारी कर रहे थे। इस बीच जानकी बाई दौड़ते हुए वहां पहुंच जाती हैं और मुर्गे को रिहा करवाती हैं। बहरहाल महिला की शिकायत सुन हैरान पुलिस महिला को समझाती है, साथ ही महिला को आश्वस्त करती है कि उसकी शिकायत पर जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।